हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हो सारे? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो अभी क्या है ना, सीन ये है कि मेरा बर्थडे बहुत क्लोजली है। बर्थडे मेरा है, ठीक है। मैं आप लोगों से और बोल मेरे रहा को हूँ, हेयर कट भी कराना है। मुझे कहीं जाना नहीं है, इसको कराना है हेयर कट और इसको मार्केट जाना है, क्योंकि कपड़े लेने हैं। बर्थडे मेरा है, बर्थडे मेरा है, इसलिए इसको कपड़े लेने हैं, ठीक है। देख रहे हो कैसी वाइफ है। ये भी नहीं बोला कि एक भी बार कि हस्बैंड आपको क्या चाहिए गिफ्ट में, आपके लिए क्या, मतलब हस्बैंड आपको पहले गिफ्ट कर दिया हमने, क्या गिफ्ट कर दिया। iPhone 15 हाँ, है। ये iPhone 15 इसी ने गिफ्ट किया था मुझे। मजाक कर रहा हूँ, मैंने खुद ने लिया है। बोलो, झूठ बोलोगे? अरे इसी ने गिफ्ट किया है, मगर पेमेंट मैंने करी है। हाँ, इसी ने दिया है। तो अभी ये मार्केट जाने के लिए बोल रहे, देखता हूँ कौन सी मार्केट लेके जाता हूँ, क्योंकि कृष्णा नगर जा जाके यार कुछ नहीं मिलता। साला दिमाग खराब हो चुका है कृष्णा नगर जा जाके, कोई नई चॉइसेस नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलती। कहाँ कौन सी मार्केट चलना है? यार मुझे मेरी फेवरेट मार्केट ले चलो। नोएडा वाली। हाँ चलो नोएडा वाली, मगर एक यार शर्त वो है, मेरी फेवरेट मार्केट वहां है। सारी तिब्बतन लड़कियां होती है। मार्केट घूम के इतना मजा आता है ना, जिसका कोई हद नहीं है। बहुत मजा आता है उस मार्केट में घूमने में। क्या हो गया? मैं जाने अरे वाली मैं हूँ, बता रहा हूँ कि मत यार। गाइस बताओ आप लोग जो मेरे गए पास हैं, कपड़े बहुत सारे, मेरे को शॉपिंग नहीं करनी है। अरे वहां बाय पे, मिस्टेक मैंने गलती से बोल दिया। अरे वहां पे एक शर्त पे लेके चलूंगा, क्या? वहां पे जो तिब्बतन फूड होता है मुझे वो खिलाओगी, क्योंकि मुझे वो बहुत टेस्टी लगता है उनके। मुझे भी भाई बहुत पिछली बार पसंद नूडल्स है। खाए थे, इतना और टेस्टी नूडल्स बनाते हैं ना, एक्चुअल टेस्ट एक्चुअल होता है। तो अभी नूडल्स खाए थे हमने, मोमोज भी खाए थे, जो ओरिजिनल मोमोज होते हैं ना वो मजा आ अभी तुम गया। मेरा मैं सिपर उठा के दो, पहले मैं ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर मोमोज लूँ। खा नहीं सकती क्योंकि मुझे बिल्कुल मना है ये सब, पर मैंने एक बार चीट कर बड़ा ली बड़ा है। टेस्टी, बड़ा टेस्टी बनाते हैं भाई। तुम पहले मेरा प्रोटीन शेक दो, फटाफट से मैं ब्रेकफास्ट करके नहा लूँ और फिर निकलते हैं मार्केट के लिए। मार्केट नहीं जा रहे हैं यार, बारिश भी आ गई है, दिमाग खराब कर जा रहा। खुद 1 घंटे के लिए गायब हो गए, फिर मुझे बोल रही चिल्ली चिल्ली नहाए बारिश तुम्हारे मारी नहीं। बार, बारिश आ रही है बहुत तेज। बारिश आ रही बार। मैं था जब तो नहीं थी, देखूं खाना। यकीन थोड़ी होता है, हम तो पागल है। शावर टाइप का आ रहा है, बारिश कहाँ आ रही है। बारिश आ रही है बहुत तेज, जिसको झूठ बोलने की आदत है तो झूठ ही बोलता है। चल रहा हूं, मगरमच्छ, आऊं मैं मगरमच्छ। ये बंदर है नहीं, गिरगिट हो तुम, जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है ना वो है। मैं तो डेली रंग बदल रहा हूँ, बस मतलब बॉडी को देखकर रीझते रहोगे, पता नहीं क्या है जब तक ये। शरीर ढंग का नहीं होगा ना, तो कुछ काम ढंग का नहीं हो सकता, ठीक है ना। मैं नहा के आ रहा हूँ फटाफट से, चलो। पूरी बारिश में भीगते हुए आए नोएडा। बारिश में मैं इसलिए भीगता हुआ आ गया, टू व्हीलर इसलिए ले ली मैंने, कि मैंने कहा चलो थोड़ा सा मौसम भी ठीक है, और नहा के गलती कर दी, सबड़े तो बाहर ही ना रहे थे, मैं तो पूरा भीग गया, तो फिर भी सेफ है। बिचारी फेवरेट मार्केट के लिए आए, और फेवरेट मार्केट देखो ये रही, दूर दूर तक कुछ नहीं है, सारी मार्केट यहाँ से हट चुकी है। बट हाँ, गलती इसकी भी नहीं थी, क्योंकि इसने हमने उनसे लास्ट टाइम कंफर्म किया था कि भाई मार्केट का क्या है, तो कह रहे समर आओ, विंटर आओ, चाहे तुम मानसून आओ, कभी भी आओ, मार्केट तुम्हें मिलेगी मिलेगी। मार्केट हमें यहाँ नहीं मिली, तो मैं तो कुछ खा के भी नहीं आया। मेरे को तो लग रही बड़ी तेज भूख, और ये इतनी तेज है भाई। मम्मी कह रही तेरी तो तबीयत खराब हो रही थी बेटा, कहाँ जा रहे हो? कह रही कुछ नहीं, वो जबरदस्ती लेके जा रहे हैं मुझे, और बाहर आके इसकी तबीयत ठीक होगी। मैं नाम लगा दिया, इसलिए मेरा नाम क्या लगा दी, तुम भी लाए हो। मैं लेके आऊँ? झूठ मत बोले करो। बोल बारिश अब भी पड़ रही है गाइस, मौसम तो सही हो रहा है, चलो कम से कम बारिश से राहत मिल रही है, इसीलिए मैं बाइक लिया। कपड़े गीले हो रहे हैं, चेंज हो जाएंगे, कोई नहीं, अब कुछ खाने का देखते हैं, क्योंकि मार्केट तो हमें मिली नहीं। कोई और मार्केट चलना है? कहाँ चले बताओ, कोई और मार्केट यहाँ आसपास, आसपास कोई दूसरी मार्केट? सीपी, सीपी, सीपी अपोजिट जाना पड़ेगा बिल्कुल। सीपी कह रही है बारिश में, नियर बाय कौन सी है देख लेते हैं, नियर बाय अगर कोई मिली तो ठीक है, वरना पहले खा लेते हैं, भूख लग रही है बड़ी तेज। तो गाइस एक तिब्बत मार्केट तो मैं मिली नहीं, इसलिए कोशिश कर रहे थे कि दूसरी आ जाए, तो सीधा आ गए मजनू का टीला, और भानु को यहीं के मतलब इन्हीं के ना फैब्रिक ज़्यादा पसंद आते हैं, तो चलो लेके चलता हूँ मैं आपको। और देखो मैं भी पहली बार आया हूँ वैसे, तो देखने में तो बहुत अच्छा है। यहीं सही है ना, ये पार्किंग में ही, ₹50 पार्किंग, कोई दिक्कत नहीं है, आओ चले।
देखने में तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में तो। ये देखो अरे वो मुझे थाईलैंड वाली फील आ रही है। ये रही ना थाईलैंड वाली फील क्यों आएगी यार, रेस्टोरेंट ज़्यादा है ना, देखो कैफेज ज़्यादा है यहाँ पे। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैं हमेशा कश्मीरी गेट वाली जाया करता था, बट मुझे ये मार्केट तो कहीं दिखी नहीं रही। ऊपर ऊपर जाके एक कह रही है सस्ता वाला थाईलैंड है ये, सस्ता वाला थाईलैंड मानो। ऐसी ऐसी मार्केट एक और पता है कहाँ पे है, ऐसी वाली एक और मार्केट पता है कहाँ पे है, तो वो है ना होजकाल की मार्केट में भी ऐसी है। हाँ होजकाल उस दिन हम गए थे ना, बहुत सही मार्केट है वो भी। वाओ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मेरा तो जाने का मन नहीं है यहाँ से, मानो मेरा जाने का मन नहीं कर रहा यहाँ से। ये किस बात का थाईलैंड है भाई, सस्ता थाईलैंड, मार्केट तो अच्छी है। लेना क्या है तुम्हें, लेना क्या है, ये रे गर्ल शॉप क्या कर लो, पूछ लो होगी। ड्रेस देख रही है ये, कीचड़ भी तो बहुत ज़्यादा है ना, बारिश हो गई। लॉन्ग में लोगी ना, देख लो पसंद आएगी नहीं आएगी पता नहीं, बहुत मुश्किल से पसंद आती है, वहाँ नहीं आई तो पता नहीं आ कैसे आएगी। सही लग रही है, जल्दी पसंद कर लेंगे, अच्छी लग रही है सच में। वाइट मत लेना, तुम गिर गिरा जाती हो वैसे रास्ते में। हो गई पसंद, कौन सी है ये वाली, ये वाली जो रखी है आ गई पसंद तुम्हें, शुक्र है कुछ पसंद तो आया, नहीं तो पसंद आता नहीं इतनी आसानी से। कोई देखते हैं, गोरे गोरे यार, गोरे भी मिलेंगे, शादी करा दो, उसे सेटिंग करूं। कर दो यार, पुण्य लगेगा तुम्हें बहुत, पुण्य लगेगा पुण्य है। ये ब्लैक वाली अच्छी नहीं लग रही, ये ब्लैक वाली, ये जो ऊपर ब्लैक है अच्छी लग रही है ना, क्या ब्लैक इसमें बोल देते हैं ना। बैक पैक भी देख लो, जाना था मुझे है ना, सही है ना। टी शर्ट देखना पहले, बैग देखना, आ जाओ मेरा ये वाला टूरिस्ट वाला बैग लंबे वाला, वो तो बता देंगे ना पहले, देख लो। देखो लॉन्ग वाली ड्रेस तो यहाँ भी अच्छी है, मतलब वैसे तो लॉन्ग है ना वो, तुम्हें तो फायदेमंद रहेगी ना। सैंडल इतना प्यारा है, चीज़ें बहुत प्यारी प्यारी है गाइस, जो नहीं आया जरूर विजिट करना, ज़्यादा दूर भी नहीं है, दिल्ली में रहने वाले तो जरूर आना भाई। कच्चा ले लूँ तुम्हें कुछ पसंद यार, ये वाला देखना कलर कौन सा, इसमें ब्लैक तो है, बड़ा तो नहीं रहेगा ये, नहीं एक बार साइज उतरवा के देख लेते हैं ना, यही वाला उतरवा लेते हैं, यही वाला ठीक है, एक बार ये वाला दिखाना आया तो एक चीज पसंद जल्दी आ जाता मुझे। ये ब्लैक नहीं है, ब्लैक नहीं है बट ये ठीक लग रहा है ना, दिखाना हाँ ठीक है ना। फ्रंट फ्रंट ये फ्रंट ही है, नहीं फ्रंट ये है, हाँ तो ठीक है ना ले लेते हैं। हाँ यहाँ पे भी है, मैंने तुम्हें यहाँ लेके नहीं आता, मैं पता है क्यों लेके आया हूँ, मेनली फूड की वजह से लेके आया हूँ। हाँ लेना है कोट सेट, पहले यार कुछ खा लेते हैं, मैंने सुबह से ना लंच भी नहीं करा, मैंने ना लंच भी नहीं करा, और यहाँ पे ना हर शॉप पे अलग अलग प्राइस है, कोई 300 कोई 350, और भाई बार्गेनिंग नहीं हो सकती, मत कोशिश करना बिल्कुल भी, जरा सी थी भी है ना, बिल्कुल भी नहीं होगी। और अंदर चलना है, अरे इधर ही कुछ खा लेते हैं ना पीछे कैफे में, चलो और थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। गाइस यहाँ पे कॉर्न बिल के नाम से शॉप है, बहुत अच्छे अच्छे मतलब आर्टिकल चाहिए, देखो देखें शूज़ देखें, पकड़ना एक बारी यार, वाह कितने प्यारे प्यारे आर्टिकल हैं, देखना ब्लैक
फुल बैग ये फुल कुछ भी देख लो लोअर वगैरह कुछ अच्छी कलेक्शन। हाँ ये तो है, शर्ट कलेक्शन अच्छी है। और शूज देखते हैं पहले, इधर देखें, ये दोनों एक ही है ना। गाइस वाइड कलेक्शन ऑफ शूज, हाँ वाइट तो मुझे पसंद है। गर्ल्स लग रहा है मुझे, गर्ल्स सेक्शन है शायद ये। ये वाले शूज कितने प्यारे लग रहे हैं, ये वाले बताना कमेंट में गाइस कैसी लग रही टी शर्ट, देखना ठीक है यार ये टाइट हो जाएगा मेरे हिसाब से, श्रिंक होगा ना बाद में कपड़ा, इसमें और साइज नहीं है, होगा पक्का यार। फिर ये ओवर साइज भी नहीं लग रही ना, ओवर साइज भी लग रही फिर से ज्यादा टाइट आ रही है, स्लीव तो चल जाएंगी, टाइट ज्यादा आ रही है ना। दूसरी देखते हैं कोई अगर साइज मिल जाए तो, पीछे फंस गया टी शर्ट में मैं। ये कैसा लग रहा है, ये तो सही लग रही है ना, वाओ वाह लुक। आप बताना कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है तुम्हारे हिसाब से, ठीक है सही आ रही है ना, नीली तो नहीं है, नहीं यार और कितना टाइट लोगे, सही है ना, कर दो इसको फाइनल, श्रिंक होगा नहीं, ये श्रिंक नहीं होगा, कर दो ना फाइनल, जितने सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स है ना वो सब यहीं आ जाते हैं ना, ज़ारा के आर्टिकल ज्यादा थे। कुछ खा लें, हाँ चलें, या कोई और कैफे चलें, कैफे तो बहुत है, बहुत चॉइसेस है, अरे पूरा तिब्बत थीम पे लग रहा है, यहीं चलते हैं है ना, आओ चलो। इसका सीटिंग इधर है, इधर है, यहाँ तुम कंफ्यूज हो जाओगी ना, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कौन सा कैफे किस कौन से वाला है ना। वाओ मतलब डेकोरेशंस में भी यार सबसे ज़्यादा है ना इधर, हाँ मतलब आके ऐसा लग रहा है बहुत अच्छी फील आ रही है। Appreciate human life, evil day, think as you wake up today, I am fortunate to have woke up and... पहले खा लेते बाबू, हाँ तो इधर देख लेते हैं ना, इधर खा लेते हैं। मोमोज की बहुत वाइड रेंज है, बाकी और डिशेज ना बहुत मुश्किल से मिल रही है, कोरियन ज़्यादा है, कहीं पता चला वेज की जगह कुछ और ही पेल दिया, नॉन वेज सेट के भी प्राइस वगैरह सबके सेम है, मगर ज़्यादा चॉइसिस नहीं है, ज़्यादातर ना वही कोरियन क्लोथ की वो है यहाँ पे है ना। हाँ वो मतलब ठीक है, मतलब अच्छी लग रही है वो देखने में भी, ये ट्राई करो एक बार, चलो यहाँ चल लेते हैं। A few moments later. बिल्कुल कोरियन कॉन्सेप्ट है, तो फाइनली इतने वेट के बाद आ गया अपना डिश, ये मोमो, मोमोज ही सबसे बड़े लगते हैं, और ये नूडल्स, पहले ये फिनिश करते हैं फिर देखते हैं क्या लेना है, कुछ और लेना होगा तो उसके बाद ले लेंगे ठीक है। अच्छा लगा, टेस्ट अच्छा था ना, शांति मिल गई मन को, बिल्कुल वही टेस्ट था जो मेरे को चाहिए था, मतलब जो लास्ट टाइम हमने खाया था। अब दोबारा से तुम क्या देख रही हो, पैंट जब ही ले लेती, मेरे को घूमना तो नहीं पड़ता, यहाँ से देख लो ना, ओनली बॉयज है, गर्ल्स भी तो है, यही तो दीदी थी इनसे ली थी शायद, ये भगवान, तो किसी से भी ले लो ना, उसी शॉप से लेना जिसे पहले लिया था, हाँ ले लो कोई पसंद आए तो, ये यही वाली तो थी वो, यही तो थी पैंट्स जो थी, नहीं ऐसी नहीं, लूज में यही वाली तो थी, हाँ, यही थी। और कुछ तो नहीं लेना, नहीं। अच्छी लग रही थी हेलमेट लगा के, पैंट फाइनल कर ली ना, चले घर, और कुछ हेलमेट पहन के तो यार स्मार्ट लगते, देखना फुल सेफ्टी, हेलमेट पहन के चलानी चाहिए, लो तुम चला लो मैं बैठ जाऊंगा। पूरी बारिश में भीगने के बाद सूखने के बाद आगे घर, सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये रहती है, सारी चीज़ें टाइम पे लेनी पड़ती है, देखो अब मैं निकलूँगा जिम और ये मारेगी रेस्ट, ठीक है मैं जा रहा हूँ जिम, क्या हाँ खाना वाना बनाओ, तो इतने क्या बना रही हो, चलो देख लेना वो, तो इतने मैं जिम होके आता हूँ और आज अपना चेस्ट वर्कआउट तो वो करते हैं। तो मैं तो आ गया जिम विम से और फाइनली अपना
वर्कआउट खत्म हो गया, बट मुझे आज किसी ने ना खाना भी नहीं पूछा। वैसे बाहर लोग घूमने की बात करते हैं। आराम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी जल्दी आराम चल रहा है देखो। और हाँ, एक भाई अपने कमेंट में पूछ रहे थे ना चाला कौन है सबसे ज्यादा, यही है सबसे ज्यादा तुम हो, यही है तुम हो चलाओ। वो। ये मैं बताता हूँ कैसे है, ये कुछ भी कांड करे सीधा मेरा नाम लगा देती है, ऐसे नहीं मैटर है। बिगर सोचे समझे मेरा नाम लगा देती है। चाहे उसका बाद में रिजल्टिंग क्या होना क्या नहीं होना कुछ नहीं पता, बस नाम मेरा आना इतना पता है मुझे। तो तुम बताती हो, तो कुछ भी करके ये थोड़े कि मेरा नाम लगा दो, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है चाहे मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊं, इससे क्या प्रॉब्लम आएगी? कुछ भी काम करके, कुछ भी गलत काम करके। जैसे आज भी कही मम्मी ने कि बेटा आपकी तबीयत खराब है, आप तो मना कर रहे थे, वो आप तो जा नहीं रहे थे कहीं, तेरी जबरदस्ती ले जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड चालाकपन भाई, देख रहे हो? मैं चलाक नहीं हूँ, और क्या ही है, तुम मैं चालाक नहीं हूँ गाइस, देख देख लो। मतलब चीज़ों को ना एक्सेप्ट ना करना ही सबसे बड़ी बुरी बात लगती है मुझे इसकी। शुरू से मेरा जो इससे लड़ाई झगड़ा होता है वो इन्हीं बातों पे होता है कि चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है? इफ़ यू आर क्लेवर देन यू आर क्लेवर, डोंट डिनाई इट, ठीक है ना? और मेरे बारे में तो सभी जानते हैं कि मैं तो दाल रोटी खाने वाला आदमी, चटनी से मिल जाए तो और ज़्यादा बढ़िया है ना गाइस? अब भी तुम्हारे सामने देख लो डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। तो आज बहुत ज़्यादा थकावट हो गई, वर्कआउट से भी पूरी बॉडी दुख रही है, और ऊपर से खाने को और नहीं मिला मुझे, इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया आने के बाद, खुद खा खू के आराम से लेटी है। तो मिलता हूँ मैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में, आज का ब्लॉग करता हूँ यहीं ख़त्म, मिलते हैं, जय श्री राम, जय हिंद।